हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील द्विवेदी, योर इंग्लिश मास्टर। एंड टुडे इन दिस वीडियो आई हैव ब्रॉट सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस फॉर यू टू मेक योर इंग्लिश स्पीकिंग फ्लुएंट, इफेक्टिव, इम्प्रेसिव एंड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। यू मस्ट लर्न दीज फ्रेजेस, यू मस्ट लर्न हाउ टू यूज दीज फ्रेजेस। इन फ्रेज को सीखें, इनको यूज कैसे करना है और ये भी सीखें। तो पहला फ्रेज आपका, और तो फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मतलब होता है कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो बहुत ही इफेक्टिव होते हैं और कम शब्दों में आप अपनी बात कह रहे हो। तो पहला फ्रेज आपका है जस्ट कमिंग, मतलब बस अभी अभी आ रहा हूं। जैसे कोई आपको बुलाए, राजू इधर आइए, जस्ट कमिंग। गोलू उधर जाइए, जस्ट कमिंग। तो मतलब अभी अभी आ रहा हूं। जैसे क्लास टीचर आपको बुलाएं, जस्ट कमिंग। पापा आपको बुलाएं, जस्ट कमिंग, मतलब बस अभी आ रहा हूं। तो ये फ्रेज है कि बस दो शब्दों में आपने बहुत बढ़िया बात कर डाली किया, इसका मतलब हाँ मैं अभी अभी आ रहा हूं। नेक्स्ट आपका एज यू लाइक या एज यू प्लीज, इसका मतलब जैसी आपकी मर्जी। अगर आपको हिंदी में कहना है जैसी आपकी मर्जी, तो एज यू लाइक, एज यू प्लीज। जैसे कोई आप, अगर आपकी माता जी आपसे कहें कि क्या आज खाने में पूरी बना लें, तो आप बोलेंगे एज यू लाइक, एज यू प्लीज। अगर पिताजी आपसे कहें कि क्या आपके लिए हम दो बुक्स ले आए, एज यू लाइक, एज यू प्लीज। अगर आपको दोस्त कहता है कि आज हम आपके लिए मूवी की दो टिकट खरीद लें, एज यू लाइक, एज यू प्लीज, मतलब जैसा आप चाहें। अगर आपसे टीचर क्लास में बोले कि आज क्या मैं आपको वो क्या पढ़ाऊं, एज यू लाइक, एज यू प्लीज। अगला है एनीथिंग एल्स, मतलब कुछ और। अगर आपको कहीं कहना है कुछ और, तो बोलेंगे एनीथिंग एल्स। जैसे अगर आप बिजनेसमैन हैं और आपसे आपका कस्टमर आपसे कुछ सामान मांगता है, तो आपने उस सामान को दे देते हैं, बाद में पूछेंगे कुछ और, तो क्या बोलेंगे? एनीथिंग एल्स। अगर मैं टीचर हूं और आप उससे कुछ पूछ रहे हैं, तो मैंने आपको अगर सबका आंसर दे दिया, एक्सप्लेन कर दिया, फिर कहेंगे एनीथिंग एल्स, कुछ और। अगर आपका फ्रेंड्स आपसे कोई हेल्प चाहता है और आपने उसको हेल्प कर दी, इसके बाद फिर बोलेंगे एनीथिंग एल्स, कुछ और। तो ये एक इम्प्रेसिव सेंटेंस है, आपकी कन्वर्सेशन को बहुत ही इफेक्टिव बनाएगा। अगला है दैट इज इनफ, मतलब पर्याप्त है, बहुत है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अब देखिए, जैसे अगर आप किसी के गेस्ट हैं, आपको खाना परोसा जा रहा है, आपको बहुत कुछ खा लिया है, और कुछ और अगर आपको परोसा जा रहा है, आप नहीं खा पा रहे हैं, तो बोलेंगे दैट इज एनफ, बहुत है, पर्याप्त। आप किसी के कुछ मांगने गए और आपने वो, आपको वो चीज़ मिल जाती है और आपसे पूछा जाता है कुछ और, बोले दैट इज एनफ या नथिंग एल्स, अब कुछ और नहीं चाहिए। या आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं और दुकानदार पूछता है एनीथिंग एल्स, तो क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स। आपसे टीचर कहते हैं एनीथिंग एल्स, तो आप क्या बोलेंगे? नथिंग एल्स, अगर आपको चीज नहीं चाहिए। नेक्स्ट आपको है टेक केयर, मतलब अपना ख्याल रखना। जैसे कोई व्यक्ति आपसे कहीं दूर जा रहा है, तो आप उसे बोलेंगे टेक केयर, अपना ख्याल रखना। या आप अपने घर से कहीं दूर जा रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं टेक केयर, अपना ख्याल रखना। नेक्स्ट आपका है सी यू टुमारो, मतलब फिर मिलेंगे या कल मिलेंगे। जैसे आप किसी से कल मिलना चाहते हैं, तो अपनी बात खत्म करने के बाद उसे बोलेंगे सी यू टुमारो, कल मिलेंगे, मतलब फिर मिलेंगे। आप किसी से विदा लेते हैं, तो आप कह सकते हैं सी यू टुमारो या सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है नेवर माइंड, मतलब कभी ध्यान मत दो, या डजंट मैटर, मतलब कोई बात नहीं। जैसे अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपसे कोई कहता है थैंक यू, और आप चाहते हैं कि नहीं वो धन्यवाद ना बोले, ये आपका फर्ज था, तो आप बोलेंगे नेवर माइंड, ध्यान ना दो, या डजंट मैटर, कोई बात नहीं। नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, और कोई पूछता है आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर डूइंग, तो आप क्या बोलेंगे? नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। ये जैसे आपने खाना पकाया, कोई पूछता है क्या पकाया, तो आपने कहा ऐसे जनरल, तो नथिंग स्पेशल।
अगला है रेस्ट एश्योर्ड, भरोसा रखो। अगर आपको किसी के ना भरोसा रखो, रेस्ट एश्योर्ड। जैसे अगर मुझसे कोई बच्चा कहता है कि सर आप ये पढ़ा रहे हैं इससे हम स्पोकन सीख जाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे? रेस्ट एश्योर्ड। तो आपसे अगर कोई कुछ हेल्प चाह रहा है और आप उसे हेल्प कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? रेस्ट एश्योर्ड। अगला है तैयार हो जाइए, तो बोलेंगे गेट या बी रेडी। तैयार हो जाइए, गेट या बी रेडी। और अगला है बी केयरफुल या बी कॉशियस, सावधान रहो, सचेत रहो। अगर आपको किसी से बोलना है, कहीं कोई चेतावनी देनी है, तो बी केयरफुल। तो दीज वर द सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस। आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट अबाउट देम एंड यू विल आल्सो यूज इन योर कन्वर्सेशन टू मेक देम इफेक्टिव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।